बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे हमेशा की तरह, और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और जी क्या बताऊँ मैं आजकल के वेदर की, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आई हुई हूँ गाँव में, तो गाँव का वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है माहौल, और आप लोग भी देख सकते हैं बादल हो रहे हैं बहुत अच्छा। और जो इतनी गंदी वाली गर्मी पड़ रही थी उसका थोड़ा सा जोर जो है वो टूट गया, लेकिन आजकल वैसे बरसात का मौसम है तो हबस हो जाती है बाद में, लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का फिर भी बहुत अच्छा। और देखने में भी आप लोगों को लग रहा होगा कि पिंड दी, तो पिंड दी यहाँ क्या बातें ने, सही बोला मैंने, हाँ जी, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम और ये लहलहाते हुए ग्रीन ग्रीन से पौधे। तो ये देखिए मैं आप लोगों को आज फुल नज़ारे करवा रही हूँ, क्या याद कर, लोगों की कोठियाँ भी दिखा रही हूँ आपको मैं, कैसी लग रही है पिंक वाली कोठी। आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना ये भी बहुत किसी से कम नहीं है। अभी आप लोग देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह से ये भी तैयार हो रही है, ये देखें। और यकीन करें यहाँ पे खड़े होकर जब हम बाहर की तरफ देखते हैं ना, सब्ज़ा ही सब्ज़ा हर तरफ, वो इतना सुकून मिलता है ना। सिटी में तो मतलब वो घर होते हैं ना, वहाँ पे ये वाला माहौल ही हमें देखने को मिलता, तो अगर गांव में इस तरह के घर बने हो तो फिर तो क्या बात है। और हर तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिले, आँखों को ठंडक सुकून सब फील होता है। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि इंजॉय किया होगा इतना सा पार्ट मेरे साथ। तो यहाँ पर जी मैं आ गई हूँ घर, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, और मैं अपने हाथ देख रही थी बेचारे क्या मेहंदी लगाई थी मैंने अपने हाथों पे, एक ही हाथ पे, हाथों पे नहीं एक हाथ पे मैंने मेहंदी लगाई थी, और वो उतर रही है और वो इतनी गंदी उतरती है ना, अल्लाह माफ़ करे, कहीं कहीं रह जाती है, तो वही मैं देख रही थी साथ साथ में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, जो कि मेरी और मेरे बच्चों की फेवरेट है, तो यहाँ पर मैक्रोनी बन रही है। तो ये देखे फटाफट से जो कुछ भी पड़ा है ना मेरे पास, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, चिली फ्लेक्स, और ये जो टिक्का मैक्रोनी के अंदर से मसाले का पैकेट निकला वो भी डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया जो कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी सी स्पाइसी से बना के मैक्रोनी का बड़ा मज़ा आता है। खैर यहाँ पे एक पैकेट मैक्रोनी का जो है वो मैंने बॉईल करके रख लिया था। तो यहाँ पे चिकन लिया मैंने बोनलेस, तो इसको मैं जल्दी से कर रही हूँ फ्राई, और ये मैंने चिली सॉस डाल रही हूँ, और ये मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कैचअप होती है। फिर मैंने इसको ध्यान से देखा, मैंने कहा कहीं कंपनी तो नहीं चेंज होगी, बट कंपनी तो वही थी, पता नहीं इन्होंने इतनी थिक कैसे बना दी, मुझे तो कैचअप कैचअप जैसी देख के मुझे लग रहा था जैसे कैचअप है। तो खैर मैंने डाल दी, अच्छा फ्लेवर था इसका भी। तो चिकन टिक्का जो है वो हमारा रेडी हो रहा है, चिकन टिक्का, क्या बात है। तो ये देखें मैक्रोनी जो है वो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, तो इसको मैंने फटाफट से डाल दिया, और चार चमचे मारे, दो इधर दो उधर दो उधर, और मैक्रोनी होगी रेडी, कोई मुश्किल नहीं है मैक्रोनी बनाना, ठीक है। और अच्छे अच्छे मौसम है आजकल, नहीं नहीं मौसम आजकल बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे अच्छे खाने बनाएं, इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि बकरे और जो गोश्त है जो आपने जो बचा बचा के रखा है ना फ्रिजों में छुपा छुपा के, तो वो आप अभी उनकी डिशें बनाती होंगी। यकीन करें हमारे घर से तो बकरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, बीफ हम खाते कोई नहीं, वो सारा बांट बूट दिया जाता है, ठीक है। और बकरे जो है ना वो बेचारे हमारे हिस्से में थोड़े थोड़े आते हैं, तो वो कब के हमने खा पी के हमारा रिफ्रिजरेटर ख़त्म, और हमने चिकन कर दिया स्टार्ट, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, फटाफट से चिकन जो है ना वो मतलब की बारी आने दें खाने की, और जो जो मटन शटन आपने बीफ शीफ जो जो रखा है ना संभाल संभाल के निकाल दें उनको बाहर, जल्दी जल्दी से पका के खाएं, और कुछ ना इधर उधर हमसायों में बांट दें, गरीबों में बांट दें। तो यहाँ पे अहमद जो है वो कर रहा है ड्राइंग, इसकी ड्राइंग की तो क्या बात है, ये देखें ये ड्राइंग कर रहा है, और ये बनाता है वो चीज़ें जो ये देखता है। इसको ये क्या बना रहे थे आप अहमद? मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि ये आर्मी रोबोट है, आर्मी रोबोट बनाया है इसने, हाँ इसको रोबोट नहीं है, क्या है, अच्छा आर्मी ऑफिसर बनाया, हाँ ड्राइंग लिया है इसलिए थोड़ा बहुत वो आपको लग रहा होगा, वरना देख सकते हैं मेरे बेटे ने कितनी अच्छी ड्राइंग की है ना, कितना अच्छा रोबोट ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर का रोबोट जो है उसने तैयार किया है। तो यहाँ पे बड़ी मेहनत जा रही है, देख सकते हैं बेचारे ने काफ़ी मेहनत की, इसको इसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वो वही बनाता है, अनाया को दूसरा इंटरेस्ट है तो वो अपनी दूसरी आर्ट करती है। खैर यहाँ पर जी इसके लगा हुआ फुल कूलर शूलर लगा हुआ है, फुल बड़ा अच्छा सा माहौल है, तो ये लगा हुआ है बैठा है इंजॉय कर रहा है, इंजॉय नहीं कर रहा, हाँ मस्ती में लगा हुआ है, तो बड़े ही ध्यान से मजा ले, इसकी नज़र इधर उधर हो जाए तो वो अपना वो कर रहा था, ठीक है। और जब भी इसका दिल करता है कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों का अल्लाह ही माफ़ करे, अल्लाह ही हाफज़ है, मेरे बच्चों का हमारे बच्चों का, मुझे लगता है कि घर में हर घर में यही हाल होता है, आप लोग देख सकते हैं
कि ये सारे बच्चे जो है मोबाइल लेके ये कोई एक गेम है उसके अंदर सारे घुसे हुए हैं। तो बच्चों को नहीं इस तरह करना चाहिए, बच्चों का ख्याल करें, उनको इन चीज़ों से दूर रखें। मैं भी बड़ी कोशिश करती हूँ लेकिन क्या करें, बच्चे सुनते ही नहीं है। खैर, मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।